अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना जरूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है, और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस चलिए मैं आपको आज मैथ्स के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। पर मेरा सवाल ये है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस व्हाट्सएप पे टेक्स्टिंग करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं, तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हाँ गाइज, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है, ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे ना, तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 Authors Against Einstein। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूव करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग, 1 would have been enough। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता, तो एक इंसान उसको गलत प्रूफ करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस क्या आपको पता है कि 17th of July को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। 17th of July को हर साल हम लोग वर्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये नॉलेज आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।